मोजे वाले 140-150 रुपए जोड़ी मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 25 रुपए का है, चाहे आप मोटे में ले लो या ये ले लो। और ये दालचीनी हो गई, गरम मसाला आप ले लोगे ना 200 रुपए का, तो तकरीबन पूरा महीना आपका निकल जाता है, रोज के 10 रुपए भी नहीं हुए। अच्छा, ये 1500 का आपका बना। क्या बात है यार, 50 रुपए आजकल बच्चे ले रहे हैं, नहीं ले रहे होंगे बच्चे। 10 रुपए का एक किलो का 50% डिस्काउंट। 50 वैसे ये चीनी है, ये क्या हिसाब है आपके पास? हमारे पास 85। क्या कह रहे हो कि मैंने 105 रुपए अपने दुकान से अपने घर के पास से लिए। मैंने सर ये 400 रुपए भाई ने लिया, वो पूरा महीना इनका चलता है भाई। पहले बताओ इधर दिखा। मगर ये कि भाई रेट मुनासिब है, लोग यहाँ 20-20 साल से मौजूद हैं। तो 800-1000 रुपए का सामान ले जाए तो तकरीबन 4-6 अफराद होते, पूरा महीना इनका निकल जाता है। 340 रुपए पाओ, 300 रुपए पाओ, और मोहल्ले में 500 रुपए पाओ। 100 रुपए दालचीनी जो है भाई, 200 रुपए पाओ, 800 रुपए पाओ। ये बादियान है, सिर्फ सादे चावल में आप डाल दोगे ना एक दाना, एक खुशबू के लिए। सर मसाले दिखाते हैं, ये पिलाव, ये बिरयानी का है, कोई लाजवाब है। 300 रुपए किलो, 200 पड़ेगा, 260 पड़ेगा, 320 पड़ेगा, 240 पड़ेगा, 330 पड़ेगा और 340। मोजे वाले मोजे ले लो भाई, मोजे ले लो। अच्छा तो जनाब, हम खोड़ी गार्डन जोड़िया बाजार में मौजूद हैं। सर्दी आ चुकी है कराची में लाजवाब, और अब ये मोजे देख सकते हो, बहुत ही लाजवाब है। चेक करो आप, क्वालिटी भी जबरदस्त है और सर्दियों वाले भी हैं। अच्छा ये कलर्स भी हैं ग्रे, दिखाने का मकसद कुछ है एक खास, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी आपने चेक कर ली, पूरी दुकान भरी हुई है मोजों से। अब मैं आपको वीडियो बनाने की वजह बताता हूँ। वजह ये है कि भाई और जगहों पे आपको ये तकरीबन मिलेगा 140 रुपीस, 140-150 रुपए जोड़ी मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 25 रुपए का है, चाहे आप मोटे में ले लो या ये ले लो। भाई मैंने 100 रुपए में 4 जोड़ियाँ ली हैं, तो लोगों को इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई अपने पैसे ज़ाया ना करें। ये भी वही चीज़ है जो यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो खुदारा अपने घर का सामान जो है एक ही दफ़ा आए और यहाँ से ले लें। आप सोच सकते हो कि एक मोज़ा 100 रुपए में 4 जोड़ी मिल रही है, यार कहाँ होता है ऐसा। लाजवाब है। हम आ गए गनी सर। जी सर। तो भाई मसालों की शॉप है, लाजवाब सी शॉप है, रंग बरंगी भी है रिजवान भाई। मगर ये कि भाई रेट मुनासिब है, लोग यहाँ 20-20 साल से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। अच्छा सर जरा बताइएगा, आप कितने अरसे से बैठे हुए हैं? मैं 40 साल हो गए। 40 साल हो गए? अबे ना करो यार, 40 साल। देखें ये मसाले हर घर की जरूरत है, डेली जरूरत है। और डेली जब हम लेते हैं ना दुकानदार से नॉर्मल थोड़ा थोड़ा, तो हमें काट देता है आरी से। वो तो है, छुरी से काट देता है, छुरी से काट। आरी में तो तकलीफ होती है ना, अटकती है आरी, काम कर जाता है हमारा। सदम इधर आना, ये भाई के पास आ जाओ जी। तो भैया दुकानदार कर जाता है मोहल्ले वाला काम तमाम, तो यहाँ पे आपको रेट मिलते हैं मुनासिब। और हम कहाँ पे अभी मौजूद? जोड़िया बाजार, मेन जोड़िया बाजार, दरियाला स्ट्रीट जोड़िया बाजार, दरियाला स्ट्रीट जोड़िया बाजार। अच्छा कुछ आप बताएं, आप किस हिसाब से जो रेगुलर यूज होते हैं सामान, वो यहाँ से क्यों लेने चाहिए? ये यूं ले जाते हैं कि ये बेचारे जो आते हैं यहाँ पे भी, तो 800-1000 रुपए का सामान ले जाए तो तकरीबन 4-6 अफराद होता है, पूरा महीना इनका निकल जाता है, पूरा महीना निकल जाता है आराम से निकल जाता है। और अगर यही सामान बाहर से लें तो कम से कम 1500-1600 का बनेगा। देखो मतलब आधो हाथ का फर्क है, आधो हाथ का भाई। होश के नाखून लाओ, 50% आप ये चेक करें, ये देखें ये जीरा है, 340 रुपए पाव, जो मोहल्ले में बिकता है 600 रुपए पाव। भाई 340 रुपए यार, मतलब। और ये काली मिर्च 300 रुपए पाव, यहाँ पे वहाँ पे 500 रुपए पाव बिकती है। क्या हिसाब बताइए? ये 300 रुपए पाव। अरे 300 रुपए पाव भाई,
और मोहल्ले में 500 रुपए ₹500। और ये दालचीनी हो गई, गरम मसाला आप ले लोगे ना 200 रुपए का, तो तकरीबन पूरा महीना आपका निकल जाता है। रोज के 10 रुपए भी नहीं हुए। अच्छा, जीरा हमारे पास क्या हिसाब आ गया था? 340 रुपए पाओ। काली मिर्च 300 रुपए। 300 रुपए और दालचीनी 200 रुपए पाओ। अच्छा, इसी तरह छोटी इलायची है ये 800 रुपए पाओ। दालचीनी जो है भाई 200 रुपए पाओ है। 200 रुपए पाओ। छोटी इलायची देख ले यार 800 रुपए पाओ। 800 रुपए पाओ। इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है? इसके मेथी दाना पड़ा हुआ 80 रुपए पाओ। 80 रुपए पाओ। और इसके पीछे पड़ा हुआ है ये मेथी पत्ता, होता है सालन, हर सालन में डलता है 100 रुपए पाओ। मेथी पत्ता रेगुलर डलता है हर सालन में 100 रुपए पाओ, 400 रुपए किलो जी। अच्छा, ये लौंग आ गई, ये भी यूज होती है? ये सब होता है, ये होता है, ये होता है, जावित्री होती है, जायफल होता है। लौंग है अपने महंगी हो गई फिलहाल, तो अभी ये 3000 रुपए किलो हो गई, 800 रुपए पाओ, पहले ये 500 रुपए पाओ थी। अरे यार, महंगाई ने तो हालत खराब करी हुई है। कस्टमर 800 रुपए पाओ, ये 220 रुपए पाओ। और जायफल, जायफल यूज होती है? जायफल बहुत कम इस्तेमाल होती है कोरमा बिरयानी में, बहुत कम, 1% इस्तेमाल होता है। 1% इस्तेमाल होती है। ये हो गए, जावित्री हो गई। अच्छा, आपको तो रेशो पता होता होगा। हाँ, क्या ये तकरीबन समझ लो ना, आपकी एक देग के अंदर में जो देग हम बनाते हैं बाहर, 8 किलो गोश्त, 8 किलो चावल, जिसमें 1 किलो मिर्च, 1 पाव धनिया, आधा पाव हल्दी, आधा पाव टोटल गरम मसाला, बस बस। अच्छा, और ये बड़ी इलायची है? बड़ी इलायची 800 रुपए पाव है। 800 रुपए पाव। और ये राई दाना है वो तो 80 रुपए पाव। 90 रुपए लेना। 80 रुपए पाव राई दाना। अच्छा रिजवान भाई, आपके पास ना मसाले लगे हुए हैं, ये मैश हुए हुए? मैश किए हुए बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई वगैरह सब लगे हुए। हाँ, ये क्या इलायची है ना? जी जी, इलायची। क्या हिसाब है ये? ये भी 800 रुपए पाव है। 800 रुपए पाव है जी। ये बादियान है, सिर्फ सादे चावल में आप डाल दोगे ना, एक दाना, एक खुशबू के लिए, खुशबू का बिरयानी का जायका आ जाता है। क्या बात है यार। भाई ये बिल बन रहे हैं 190 और 250 पूरे महीने का सामान है भैया। ये 1500 का आपका बना। क्या बात है यार, 50 रुपए आजकल बच्चे ले रहे हैं, नहीं ले रहे होंगे बच्चे। ओ हो हो, आप चीप प्राइस देखो, ये देखो बिल 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 चेक करो, बिल चेक करो। 1500 रुपए का, 1500 रुपए का। अच्छा, इधर इधर दिखाईगा। अच्छा ठीक है, आप वैसे ही बोल सकती हैं दोबारा आई हैं आप। वजह अच्छा है, सामान अच्छा है। और बरकत वाला है। सबसे बड़ी बात बरकत वाली बात। नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो महीने की कहानी कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे महीने का 900। अब अंदाजा लगाओ, इतना तो बच्चे, ये तो बच्चे भी नहीं ले रहे, ये तो इनको माशाल्लाह बहुत चीप रेट पड़ गए। आप लोगों को मैं यही कहता हूँ, खुदारा चूड़िया बाजार से आए, महीने का सामान ले, मतलब 50-60% तो ऑफ है ही। आप खुद हकीकत है, आप कोई सामान ऐसा करो, आप वहाँ पे जाओ, लिस्ट बना के ले आओ और यहाँ पे पूछ लो, बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा, आधा आधो हाथ का फर्क मिलेगा। तो भाई बच्चों, दो मिनट, ये 2 किलो का है 90 रुपए का। देखिए कोरमा मसाला, ये कोरमा मसाला 90 रुपए का। 2 किलो गोश्त के लिए भाई, देखो 2 किलो गोश्त के लिए 90 रुपए। अब तुम 2 किलो का शान का मसाला ले लो, 1 किलो का मिलता है 90 रुपए। 1 किलो का मिलता है यार, आधो हाथ का फर्क हो गया ना। ये सर मसाले दिखाते हैं, ये पुलाव, ये बिरयानी का है। क्या बात है यार, ये पुलाव का है। अच्छा पैसे भी बताते हैं। हाँ, ये सेम रेट है, 180 रुपए पाव। शान का होता है 1 किलो शान हो गया, नेशनल हो गया, ये हो गया ना, वो होता है 90 रुपए का 1 किलो का। हमारे पास है 50 रुपए का 1 किलो का, 50% डिस्काउंट। 50% है यार, 50%, नो डाउट। अच्छा, और ये जो मसाले पड़े हुए, कढ़ाई का है, अचार गोश्त का है। अच्छा भाई, ये कढ़ाई का है, कुछ नहीं करना आपने। हाँ, ये मसाला उठाना है और सालन में डालना है, और सालन में डालना है। कोयला कढ़ाई, पिशाबरी कढ़ाई में डल सकता है। हाँ, होटल वगैरह सब ले जाते हैं। 90 रुपए पाओ, 180 रुपए पाओ, 180 रुपए पाओ, 180 रुपए पाओ, नो डाउट, लाजवाब है। अच्छा, अब आपको कुटी मिर्चे हो गई, कुटी मिर्चे देख ले वगैरह में, ये क्या हिसाब है कुटी मिर्चे? ये 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। भाई आप जरूर देखें, 600 रुपए किलो कुटी हुई मिर्च बता दिए। अब अपने मोहल्ले की दुकान में पूछना, कब तक पता लग जाएगा? 600 रुपए किलो। लाल मिर्च है, ये हल्दी है, हल्दी है भाई, हल्दी 400 रुपए किलो। हल्दी पूरे घर पे, हल्दी पूरे घर पे, मल्दी बंगाली खाते हैं। और भाई मतलब ये तो है काम की चीज है, एंटीबायोटिक है। 400 रुपए किलो, आधी मिर्ची आधी हल्दी खाते हैं बंगाली भाई। दवा है वही तो, मछली में कितनी होती है आजकल, जब से कटाई का सिस्टम खत्म। ये इमली होती है, ये भी बाहर से आती है हमारे यहाँ से। अच्छा, ये क्या हिसाब है? ये
ये तो अपने थाई वगैरह से आती है, थाई सिंगापुर वगैरह से आती है। पैसे क्या है? आधा किलो है। आधा किलो 140 रुपए के, बोले में 100 रुपए पाव बिकती है। ये 400 रुपए भाई ने लिया है, वो पूरा महीना इनका चलता है। भाई इधर दिखाइएगा रिजवान भाई, ये 400 रुपए में टोटल 400 रुपए का सामान है। अफराद भी होंगे तो इनका पूरा महीना निकल जाता है, क्या ख्याल है? महीना निकाल देगा, नो डाउट। बिल्कुल यही आए भाई, और हम इनका नंबर यहाँ पे बता देते हैं, अब इजीली रापता कर सकते हैं। छोटे पैमाने पे लेना चाहे, बड़े पैमाने पे लेके जाए, चाहे ले सकते भाई। महीने का खर्चा खत्म करो यार। इसके अलावा मैं आपको अभी और भी चीजें दिखाता हूँ। ये तस्कीन चाय के साथ दरियालाल स्ट्रीट जोड़े बाजार कराची। बिल्कुल दरियालाल, दरियालाल ये कार्ड है भाई, ये डेली मर्रा के जरूरत तो लाजमी पड़नी है। एक 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 किलो दो, अपने 60-60 ग्राम बिरयानी दे दो, दो जगह 60-60 ग्राम, दो जगह कौरमा दे दो। आप ये चेक करो, ये लसन, लसन जल यार, ये देखो यार, कोई लाजवाब है। 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो है। बंदे में चीजें मिलती है पाव के साथ, पाव के हिसाब से। अच्छा ये अलग लसन है, ये एक देसी होता है और ये देसी है। अच्छा ये बलूचिस्तान का, ये दोनों के रेट एक ही है? इनको एक है। अच्छा ये 400 रुपए है भाई, और ये 300 रुपए। अच्छा अदरक का बता दूं यार, अदरक की क्वालिटी आप चेक करो, जबरदस्त है यार। 360 रुपए केजी, जबरदस्त यार, नो डाउट रीजनेबल है। अब जी ये क्या है? इमली, हल्दी। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ी सी हल्दी पूरे घर में। भाई ये वो हल्दी है जो पूरे घर में मलदी जाती है, 120 रुपए किलो है, जबरदस्त। अच्छा हमारे साथ शाहिद भाई मौजूद हैं, जो कि हमें डिफरेंशिएट करेंगे कि आया दुकान पे और जोड़िया बाजार में क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सलाम अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सर आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत हालत खराब हो गई लोगों की। ऊपर से दुकानदार क्या करता है, बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। अब जैसे ये चीनी है, ये क्या हिसाब है आपके पास? हमारे पास 85। क्या कह रहे हो? अरे दोस्त क्या कह रहे हो, 85 रुपीज। यकीन करो खुदा गवाह है कि मैंने 105 रुपए अपने दुकान से, अपने घर के पास से लिए मैंने। तो भाई चीनी जो है 85 रुपीज है, तो आप डिफरेंशिएट कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है, नो डाउट। चावल बताएंगे कि किस हिसाब से है? चावल आपके पास मुख्तलिफ रेट के लगे हुए सब प्योर चावल है, ओरिजिनल चावल। ऐसा तो नहीं है कि ये मलीदा बन जाए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं चावल लेकर आया था और हालत खराब हो गई थी। मलीदा वो बनेगा जो मिक्स चावल होगा, नया होगा। हमारे पास सारा पुराना चावल है, गारंटी का चावल होता है, हम ग्राहक को गारंटी देते हैं। अच्छा बिरयानी के चावल बताएं अंदाजन? बिरयानी के चावल कम से कम आपको पड़ेगा 200 पड़ेगा, 260 पड़ेगा, 320 पड़ेगा, 240 पड़ेगा, 330 पड़ेगा और 340 पड़ेगा। अच्छा आप मिनिमम बताएं कि बिरयानी के चावल कौन से यूज कर सकते हैं, जो सस्ते पे कौन से यूज कर सकते हैं? सस्ते में आप ये 200 वाला कर सकते हैं, ये इससे पक पाएगी बिरयानी बेहतरीन, बारह कलम की पकाई बासमती है। अच्छा भाई सैला भी होता है? अच्छा सैला भी होता है, मगर देखें ये 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 बासमती है। आप ये चावल के दाने चेक करो, ये 200 रुपए केजी वाला है, जो कि भैया मोहल्ले में जो है ना यही आपको 300 रुपए केजी कह के दे दिया जाएगा। ये गारंटी का चावल है, बारीक लंबी पकाई होगी इसकी। 340। अच्छा ये देखें भाई, ये है 340। अच्छा ये मतलब 340 क्यों है? वजह ये है कि ये 11-21 का है। ये क्या है? 11-21 बासमती है ये। 11-21 ये तो मशहूर है, ये तो नाम से डाउट रेट्स में बहुत ज्यादा है। अच्छा अब ये चावल की तो बात हो गई, आ जाते हैं थोड़े दाल पे, वो डेली यूजेज में, ठीक है, इसका इसके बगैर तो गुजारा होना नहीं है, तो इसके कुछ रेट्स बता सकते हैं आप? ये आपको पड़ेगी 260 रुपए किलो प्योर मूंग की दाल। अच्छा ये देखें भाई, ये प्योर है, मतलब प्योर क्यों, मतलब क्या इसमें कुछ और भी आता है? इसमें आती है मोटकी दाल, मोटकी दाल 200 रुपए किलो, वो 200 रुपए किलो। और ये क्या किलो है? ये 260 रुपए ये मूंग है। और ये मसूर क्या हिसाब है? 240 240 भाई ये आप देख सकते हैं, मैंने हाथ में लेके इसलिए दिखा रहा हूँ, प्योर और एक नंबर एक भाप में गल, प्योर और एक नंबर एक भाप में गल के निकला है भाई ये बात।
अच्छा इस तरह आप मुझे और चीजों के रेट बता दो, चने बता दो छोटे। एक चना पड़ेगा ये 9 mm में 360 रुपए। 9 mm मतलब साइज है इसका? साइज है इसका क्या किलो है? 360। 360 भाई, अपने घर के दुकानदार जरूर देखना, अपने मोहल्ले के दुकानदार जरूर देखना। और ये आपके मोहल्ले में तकरीबन 400 रुपए किलो। अभी कितना है ये? 360। देखिये 360 रुपए अपने मोहल्ले के दुकानदार पे जरूर चेक करेगा, आपको डिफरेंशिएट मिलेगा। अच्छा ये आगे काला चना 200 रुपए किलो पड़ेगा। 200 रुपए किलो। ये 220। क्या ये? चना दाल। चना दाल। अच्छा अब हम इसके ऊपर आ जाएं, एक एक करके आप बताते हैं। 230 मूंग छिलका। मूंग छिलका है? मूंग छिलका 230 रुपए किलो। अच्छा उसके बराबर ही मलका मसूर है 220 रुपए किलो। मलका मसूर 220 रुपए किलो, ये रीजनेबल रेट है। इसके बराबर ही ये है माश डोली 340 रुपए किलो। 340 रुपए किलो। ये भी क्या है, दालों की किस्म है? अच्छा और उसके ऊपर लोबिया है? ये लोबिया तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो लोबिया। और ये वाला रेड बीन्स है, ये राजमा जिसको बोला जाता है। हाँ रेड बीन्स। ये है 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो क्योंकि ये बाहर से आता है। बाहर से आता है, यहाँ यहाँ का नहीं है। डॉलर में। अच्छा अब ये अरहर की दाल है। अरहर की दाल जो हाँ गलने वाली, एक भाप में गलने वाली दाल है भाई। देखिए ये गारंटीड है, एक भाप में गलेगी। ये गारंटीड है, एक भाप में गलेगी। जब भी कहते हैं सही दुकान से लो। ये क्या हिसाब बताया था अरहर की दाल? 420 रुपए। 420 रुपए अरहर की दाल है। अच्छा आपके पास और क्या डेली मरा के यूज वाले, जैसे एक किलो आपके पास पत्ती भी है? पत्ती भी। अच्छा पत्ती हमारी हम अपनी बनाते हैं। अच्छा भाई पत्ती अपनी बनाते हैं, जैसे मैंने लिप्टन दानेदार लिया 900 ग्राम, उसने मुझे 1350 रुपए की दी। आपके पास एक किलो का पैकेट कितने का है? 720 रुपए किलो। भाई आप डिफरेंशिएट देख रहे हो, आधा से भी ऊपर चला। और पत्ती भी गारंटी की होगी, पसंद दानेदार और दोनों होगी। मिक्सचर है, पसंद नहीं आया वापस आपके पेमेंट आप पूरी ले जाए। भाई पसंद नहीं आती आप वापस ले जाओ, गारंटीड है। 700 रुपीज के जी। 720 720 रुपए के डाउट। बहुत डिफरेंशिएट है मार्केट में। तो भाई थोड़ी सी चीजें आप लोगों को दिखानी थी कि भाई देखो कि आया आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है। तो जनाब इसी तरह की वीडियोस के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे कि ताकि आप लोगों को इन चीज़ों को गाइड कर सकें हम आगे फर्दर। मुलाकात होती है, मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये महंगाई के मसले लोगों के लिए हल हो जाएं, वो जेब से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।